ये था हमारा फॉर्म। ये लॉगिन पोर्शन था, रजिस्ट्रेशन पोर्शन था, ये मेरा प्रोफाइल था। चलिए हम पहले कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर लेते हैं। जब हम लोगों ने लॉगिन किया था उस टाइम सेशन में हम लोगों ने वैल्यू निकाला था, ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने सेशन में इसलिए निकाली था क्योंकि मुझे जब भी उस बंदे की आईडी ज़रूरत होगी तो हम सेशन से निकाल के यूज़ कर लेंगे। अब जैसे प्रोफाइल पे हम जाएंगे तो प्रोफाइल पे जो पहले से डेटा उसने चूज़ किया था वो ओपन होकर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें आईडी चाहिए होगी उसकी कोई यूनिक, जिसके भी आप पर हम सेलेक्टिव करके चलाएंगे तो वो हम आईडी निकालेंगे कहाँ से, सेशन से, ओके। तो और इस आईडी को हम हर पेजेस पे चेक भी करेंगे, अदरवाइज एरर आ जाएगी। तो हमें चेक ये करना है कि वो बंदा लॉगिन है या नहीं। तो इसके लिए आप अभी सिर्फ प्रोफाइल पे लगा लीजिए क्योंकि प्रोफाइल ही है जो लॉगिन के बाद ओपन होना चाहिए, बाकी तो विदाउट लॉगिन पर ओपन हो सकता है। तो हम आते हैं इफ कंडीशन के अंदर और यहाँ पर सेशन नॉट इक्वल, या आप कह लीजिए इक्वल इक्वल नल। अगर मेरा सेशन नल है तो उस केस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे लॉगिन पेज पर, ओके। response dot redirect और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे लॉगिन डॉट एएसपीएस, ओके। अब जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे पेज, देखिएगा तुरंत हमें भेज देगा लॉगिन पर, क्योंकि हमने यहाँ पर सेशन चेक किया है। वैसे हमारा तो लॉगिन नहीं है अभी, ठीक है, लॉगिन पर भेज दिया। अब हम लॉगिन कर लेंगे। तो हम प्रोफाइल पे आ गए, अब हम प्रोफाइल पे रिफ्रेश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, हम वहीं पर रहेंगे क्योंकि हमने लॉगिन कर रखा है, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रोफाइल के लोड इवेंट पे हमें एक फंक्शन कॉल करना होगा और सारी वैल्यू को फिल करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन बनाते हैं, पर इस फंक्शन को बनाने के पहले हम बिजनेस ऑब्जेक्ट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। बिजनेस ऑब्जेक्ट को मेंटेन करने के लिए हम बिजनेस ऑब्जेक्ट में चलेंगे और यहाँ पर लॉगिन गेट रजिस्ट्रेशन आईडी गेट रजिस्ट्रेशन आईडी, ये फंक्शन हमने कल बनाया था, ये फंक्शन कब बना था तूने बनाया है? अच्छा, इसका रन कर दो, गेट रजिस्ट्रेशन नॉट आईडी, गेट रजिस्ट्रेशन, ओके, या गेट यूजर डिटेल्स बाय रजिस्ट्रेशन आईडी। फंक्शन का नाम बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फंक्शन का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। गेट यूजर डिटेल बाय रजिस्ट्रेशन आईडी, इससे ये पता चल जाएगी यहाँ पर यूज़र की इनको मांगी जा रही है और रजिस्ट्रेशन आईडी के बिहाफ पर, ठीक है। वेयर रजिस्ट्रेशन आईडी, ओके, परफेक्ट। अब हम चलेंगे प्रोफाइल पर और यहाँ पर हमें लोड इवेंट पे काम करना होगा और ये काम हम हेल्प में करेंगे क्योंकि ये तो मेरा ट्रांसफ़र करने के लिए, और इसमें हम कोड को टेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी में हम पास करेंगे क्या, बोलो तो सोचते रहते हो, ओके ओके। अब फिर ये मुझे इसको पास कर दीजिएगा, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नाम का फंक्शन नहीं है,
फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं, ओके। और इसको हम रिसीव करेंगे, आपने रिटर्न टाइप बनाया है कि? हाँ, रिटर्न टाइप इसका डेटा टेबल है, ओके। सो हम इसको रिटर्न रिसीव कर लेते हैं डेटा टेबल डी टी पर, और फिर हम चेक करेंगे कि डेटा आया या नहीं। जब भी काम किया करिए हमेशा चेक करके किया करिए, अगर मान लो गलती से डेटा नहीं आया तो आप एरर आने से बच जाएंगे, अदरवाइज एरर आ जाएंगे। अब अंदर आते हैं हम, मेरे पास कितनी फील्ड्स हैं, टी एक्स टी नेम, ईमेल, मोबाइल, टी एक्स टी नेम डॉट टेक्स में हम पास करेंगे डी टी डॉट रोज टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें आ जाएगा मेरा जीरो ब्लॉक क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा नेम, ओके। बोलो हाँ, बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। नेम, ईमेल, मोबाइल, सीन को नेम, पासवर्ड नहीं शो कराएंगे हम, मोबाइल, ईमेल, ओके। और कोई इन्फो थी जो पहले से है कि? बस तीन इन्फो थी, नेम, ईमेल, मोबाइल, स्टेट, सिटी, तो अभी फिर अभी आएगा, और वैसे तो मुझे तो फिल कराना पड़ेगा, स्टेट, सिटी, एड्रेस, ओके। चलते हैं हम लोग डेटाबेस में, जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी इनमें कुछ फील्ड का इंक्रीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टेट सिटी कल ऐड किया है, पर अभी ये टेबल्स में ऐड नहीं हुए होंगे फील्ड। चलिए काम करते हैं, हम इसको एक नई टेबल में रखते हैं ताकि आप लोग ज्वाइनिंग भी अभी सीख जाएं, ठीक है। ज्वाइनिंग किस तरह से की जाती है वो भी आप सीख जाएंगे। तो हम इसको एक नई टेबल में रखते हैं, एक दूसरी टेबल बना लेते हैं प्रोफाइल नाम की, प्रोफाइल, यहाँ पे आ जाएगा एक प्रोफाइल आईडी, ओके। और एक मेरा बन जाएगा रजिस्ट्रेशन आईडी, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग के लिए एक कॉमन चाहिए होगा प्रॉपर्टी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी, अच्छा। और ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, स्टेटस तो रहने दीजिए, वरना स्टेटस भी हटा दीजिए, डेट टाइम रहने दीजिए, हाँ। तो अब मुझे कुछ फिर बढ़ानी थी, कौन कौन सी, एक तो हो जाएगा आपका स्टेट आईडी, और एक हो जाएगा आपका सिटी आईडी, और एक हो जाएगा आपका एड्रेस, ओके। बाकी स्टेटस हटा लेते हैं, या अभी रख लेते हैं इमेज का, पिक्चर का, ओके ओके, डन। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी बच्चों, ठीक है, परफेक्ट है टेबल, सारी फील्ड्स क्लियर है। ये तो गेट डेट है, बाय डिफॉल्ट अपने आप डेट आ जाया करेगी जब भी इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अच्छा। हम सेव कर लें इसको, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, कौन अपने आप को अच्छा डॉट नेट डेवलपर बनाना चाहता है, हाथ उठाओ। अगर अच्छा डॉट नेट डेवलपर बनना है तो जितना पढ़ाएं बस उसको 10, 5, 20, 25 बार रगड़ दो, और कहीं भी जाकर इंटरव्यू में बता दो हम बी ए किए हैं, बस उतना ही सफिशियंट है। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब ए वन ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ तक कि 2 ईयर 3 ईयर तक के एक्सपीरियंस लोग काम करते हैं इससे, तो आप कहीं भी जाएंगे सामने वाला देख के समझ जाएगा कि ये बंदा काम किया हुआ है, जानता है, ओके। ये मेरा अपडेट हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं हम, प्रोफाइल टेबल मेरी आ गई, ओके। अब देखिए इस प्रोफाइल टेबल के अंदर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो कब इंसर्ट होगी, तो मुझे बताएगा, क्योंकि प्रोफाइल पर हम अपडेट की क्वेरी चलाएंगे, यहाँ पर हम इंसर्ट की क्वेरी तो चलाएंगे नहीं, अपडेट की क्वेरी चलेगी, तो अपडेट की क्वेरी
हमें प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन दोनों को ज्वाइन करना होगा, तो हमें प्रोफाइल के अंदर रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए होगी, तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी? रजिस्ट्रेशन के टाइमिंग पर हम इसमें भी रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे। सो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन के कंट्रोल कोड पर, और जब मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था यहाँ पर नहीं, बिजनेस ऑब्जेक्ट में चलिए, और यहाँ पे जो बना होगा रजिस्ट्रेशन का, ये रहा रजिस्ट्रेशन। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये तो ऐसे परफेक्ट है, कॉपी पेस्ट करिए, फिर से रिकॉर्ड उठाइए, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए और वो ऑटो जनरेटेड है। सेलेक्ट को चलाइए आप, सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन आईडी फ्रॉम ईमेल रजिस्ट्रेशन, वेयर में कुछ पास करने की जरूरत नहीं आपको, बस ऑर्डर पर ही डिसेंडिंग कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे टॉप वन रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आपको पहला रिकॉर्ड मिल जाए, टॉप वन, ठीक है। तो क्या होगा, टेबल को डिसेंडिंग की जाएगी, पहला रिकॉर्ड निकाल लेंगे, यानी कि लास्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा, और उस रिकॉर्ड को हम फिर से इंसर्ट कराएंगे इसके अंदर, इफ डीटी डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन जीरो, तो हम इंसर्ट कर देंगे टीबीएल प्रोफाइल में। क्या इंसर्ट करेंगे टीबीएल प्रोफाइल में, हम रजिस्ट्रेशन आईडी। ओके, और वैल्यू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले तो इंसर्ट करा दिया रजिस्ट्रेशन में, एंड देन मैंने सेलेक्ट करा के टॉप वन रिकॉर्ड निकाल लिया उसको अपोज करके, एंड देन फिर मैंने इंसर्ट करा दिया प्रोफाइल में, ठीक है। तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन आईडी मेरी आ जाएगी, ठीक है। किसी को डाउट तो सोच लिया, देखा खतरे में पड़ सकती हो फ्यूचर के लिए। चलिए आगे चलते हैं, हमने अब तक जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसको हम खुद से फिल कर लेते हैं, या फिर रिकॉर्ड ये डिलीट करना पड़ेगा, फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा ना, और इतना टाइम किसी का होता नहीं है। तो हम पहला ही एक रिकॉर्ड है तो हम इसको खुद से डाल देते हैं इसके अंदर, तो फाइल को ओपन करके आ जाओ बच्चों। ओके हैप्पी, तुम्हें रजिस्ट्रेशन कर लेना नया, वरना अभी नहीं रह पाओगे। चलो वापस चलते हैं हम यहाँ पर, गेट यूज़र डिटेल बाय रजिस्ट्रेशन आईडी पे जो कि हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पे यूज़र डिटेल्स में अभी सारी इन्फो नहीं उठ रही है, जो हम लोगों ने नई इन्फो के लिए कुछ नए फील्ड्स बनाए हैं इसके अंदर प्रोफाइल में, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ज्वाइनिंग लगानी होगी, दो टेबल को ज्वाइन करके फिर सारे रिकॉर्ड हम निकालेंगे। ओके, तो देखिए ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, पहले तो आप ये पोर्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए अभी, अब चलते हैं हम आगे, एक नया नाम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसी नाम को बार बार रिपीट करना होगा आगे चलकर, तो एक नया नाम ले लिए, ये हो गया आर, ठीक है। कि अब हम इतने बड़े नेम को लिखने के बजाय सिर्फ आर से काम चला सकते हैं, ठीक है, ये एक अलायंस नेम मिलता है मुझे, ठीक है, कॉपी। चलो लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि हम लेफ्ट ज्वाइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें लेफ्ट का यानी कि जो टीबीएल रजिस्ट्रेशन है उसके रिकॉर्ड तो चाहिए ही, कंपलसरी है, प्लस जो हमारे प्रोफाइल के रिकॉर्ड होंगे उनमें से जहाँ मैचिंग होगी वो रिकॉर्ड उठाकर लाकर मुझे दे देगा, लेफ्ट जॉइन टीबीएल प्रोफाइल पी। ओके,
मेरा नाम पी, ऑन कंडीशन क्या होगी, आर का रजिस्ट्रेशन आईडी इक्वल पी का रजिस्ट्रेशन आईडी, जहाँ पे दोनों मैच करें तुरंत उस रिकॉर्ड को ज्वाइन कर लो और फिर कंडीशन आर का रजिस्ट्रेशन आईडी कर लो, ठीक है, जहाँ पर ये है। और फिर यहाँ पर तुम्हें आर का स्ट्रिंग कर लो एंड कॉमा पी का स्ट्रिंग, सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। ओके, आई बात समझ में, मतलब आर के सारे रिकॉर्ड आ गए, पी के सारे रिकॉर्ड आ गए और हमारी जॉइनिंग भी परफेक्ट हो गई। मैंने कंडीशन पास कर दी ये वाली और वेयर में मैंने पास कर लिया। वेयर में आप किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा है कि आप रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग करें। चलते हैं प्रोफाइल पे, और यहाँ पे मेरा कहाँ तक पहुँचे थे, हाँ नेम ईमेल मोबाइल हो गया था। चलो नेक्स्ट मेरा क्या है, एड्रेस, यूजर एड्रेस डॉट टेक्स्ट नेम डाल देते हैं, एड्रेस। ओके, अब बात रही स्टेट और सिटी, ये तो रहा टेक्स्ट बॉक्स का खेल, हम लोगों ने बहुत इजी खेल लिया, लेकिन अब स्टेट और सिटी को कैसे किया जाए, क्योंकि स्टेट और सिटी तो ऑलरेडी बाइंड है, इनमें तो हमें सेलेक्ट लगाना है कौन सा बंदा सेलेक्ट होगा। क्या कौन सी क्वेरी सेलेक्ट, क्वेरी किसके लिए, डीडीएल के लिए। चलिए पहले इतना चेक करते हैं, फिर से रन करा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस ऑब्जेक्ट को छेड़ा है। चलिए हम फिर से लॉग इन कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन एक्सपायर हो गया होगा, हो गया है, चेक करें, हो गया एक्सपायर, 1 2 3 4 5। देखिए इन्फो आ गई, लॉजिक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्टेट आ गया, पर सिटी स्टेट भी वो वही स्टेट आया है जो बाय डिफॉल्ट बाइंड किया हुआ था, पर सिटी नहीं आई है और एड्रेस नहीं आया, क्योंकि एड्रेस का अभी हम लोगों ने इंसर्ट कराया भी नहीं था। ओके चलो, चलिए ये तो रहा मेरा शो का पोर्शन, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, हम आगे कंप्लीट करेंगे। अब इसको मेंटेन करना होगा मुझे अपडेट के लिए। मान लो मैंने चूज़ कर लिया यूपी और मैंने यहाँ पे फिल कर लिया गाज़ियाबाद, ओके। अब हम यहाँ से अपडेट करेंगे, तो अपडेट की क्वेरी चलानी पड़ेगी, अभी तक हम लोग की अपडेट की क्वेरी नहीं चली है। वापस आओ प्रोफाइल, ये यहाँ पर
लोड का काम तो हमारा हो गया फिनिश, तो यहाँ से हम बंद कर देते हैं। और BTN प्रोफाइल, अच्छा इसको हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था पर अभी हम लोगों ने चेंजेस नहीं किया ना। चलो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। BTN प्रोफाइल पे क्लिक करने पर नेम नेम ईमेल मोबाइल परफेक्ट है, जीरो डॉट आप लोगों ने वो बना लिया है बिजनेस डेटा में स्टेट आईडी और सिटी आईडी। ओके स्टेट आईडी में पास कर लेते हैं हम DDL स्टेट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। देखिए डेटाबेस के अंदर हम लोग कभी भी इसको नहीं रखते हैं, डेटाबेस के अंदर हम लोग नाम को नहीं रखते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है ना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, इसको नहीं रखते हैं हम लोग डेटाबेस के अंदर, हमेशा वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसके बैंक में जाइएगा वैल्यू पड़ी होगी जो हम लोगों ने बाइंड किया गया था उस टाइम हम लोगों ने वैल्यू डाला था वैल्यू आइटम में 1 2 हम लोग इसको डेटाबेस में डालते हैं ठीक है नाम को नहीं, क्योंकि कल को मान लो किसी ने किसी को लगता है कि नाम कुछ मिस्टेक हो गया चेंज करना चाहिए तो नाम चेंज करोगे और जो रिकॉर्ड पहले से इंसर्ट हो चुके हैं वो सब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, होगा ना ऐसा दिक्कत। तो इसलिए क्या करते हैं कि नाम को नहीं डालते। दूसरी चीज़ कि अगर नाम को हम डालेंगे तो डेटाबेस क्या हैवी होगा, जाहिर सी बात है इसके लिए जो लिमिट्स हैं कैरेक्टर लिमिट वो इंक्रीज़ करेंगे तो उसका साइज़ बढ़ेगी, तो हमें साइज़ को भी रिड्यूस करना होता है क्योंकि अभी तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं। जीमेल वालों से पूछो कैसे क्या क्या झेलते होंगे वो लोग ठीक है। तो सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग ये हो गया मेरा स्टेट का, और इसी तरह हम कर लेते हैं सिटी का DDL सिटी, सिटी नहीं बना है क्या, और फिर हम लास्ट ले लेते हैं एड्रेस। एड्रेस भी नहीं बना है, चलो चलते हैं हम मेंटेन कर लेते हैं ये स्टेट का फिक्र कैसे बन गया स्टेट। आप लोग एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है, आई मीन कब से आप लोग यहाँ पर आना बंद करने वाले हैं, 12 से 18 मई नहीं यहाँ से आना, यहाँ पर आना कब से बंद करने वाले हैं, जब तक खत्म है नहीं एक बताइए टाइम उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा ना। क्या हुआ चलिए अब बिजनेस ऑब्जेक्ट में एक अपडेट क्वेरी चला लेते हैं, इसके लिए कॉपी पेस्ट मारें। देखिए यहाँ पे जो नेम हम दे रहे हैं ये सब नेम में देखिएगा पहले वर्ड का पहला लेटर कैप्स है, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैप्स है, तो ये सब स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया गया है तो क्लास का नाम इसके आगे मैंने वो लगा के क्लास का नाम फिर से पेस्ट कर दिया, इससे पता चला कि वो किसका ऑब्जेक्ट है ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही नाम को यूज़ किया जाता है ठीक है। कहाँ रह गए तुम, अरे सर क्या बताएं कहाँ रह गए,
बताओ मत, सिर्फ इतना बताओ कहाँ रह गए थे। सर आपने कहा बताओ मत, तुम कैसे बता सकते हो? आपकी बात को हम कैसे जान सकते हैं बताइए। अपडेट डीजल रजिस्ट्रेशन सेट कौन कौन से हैं, किसको सेट करना है, नेम को पहले, नेम यहाँ पर तो होंगे नहीं हमारे पास, और कर लेते हैं हम नेम कॉमा, अपडेट में कॉमा चलता है, ईमेल और बोलो आगे क्या करें हम, मोबाइल नंबर हमें वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो लोग बोलते रहते हैं, मोबाइल एड्रेस। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएंगी, एड्रेस नेक्स्ट स्टेट मुझे ये बताइए हम किस में अपडेट करें, प्रोफाइल में करें या रजिस्ट्रेशन में करें? प्रोफाइल। अगर हम प्रोफाइल में करेंगे वहाँ पर नेम ईमेल नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रोफाइल में नहीं, ऐसे कैसे होगा सर, ये ट्रिगर नहीं बना यहाँ पर। हाँ प्रोफाइल ऐड करनी होगी, यहाँ पर दो बार क्वेरी चलनी पड़ेगी, प्रोफाइल के लिए अलग उसके लिए अलग। यहाँ पे रिटर्न तो करना नहीं मुझे, इसको बता दो। एक बार मेरी चलेगी प्रोफाइल के लिए, दूसरी बार उसके लिए, प्रोफाइल में नेम ईमेल मोबाइल तीन चीज़ नहीं है, ओके, और इसमें ये नहीं है। चलिए वेयर पास तो करना होगा मुझे, वेयर रजिस्ट्रेशन आई डी आर ई जी आई एस टी आर ए टी आई ओ एन इक्वल ओके, और ये तो दोनों का सेम रहेगा, इसको ऊपर भी लेते जाते हैं। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आई मीन ऊपर से जा रहा है, नहीं इस बार तो पता जाएगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी। सर ऊपर स्टेट ऊपर कौन है टी वी एल, अच्छा ऐसा क्यों है लेट आने का, सुनो परफेक्ट है आप सब कुछ, किसी कोई डाउट, ऐसे ही चलती है क्वेरी, हमें दो या तीन चार बार चलानी पड़ती है अगर हमारी टेबल्स अलग अलग होंगी तो, ठीक है, नहीं तो अच्छा है कि ट्रिगर बना लो, पर ट्रिगर अभी बनाने में बच्चों का खेल तो है नहीं, वहाँ पर हमें फिर इसको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अच्छा तो अब हम इसको कॉल कर लेते हैं प्रोफाइल के यहाँ पर, और इसमें सारी वैल्यू मैंने पास कर दी, ठीक है, और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन नहीं, यहाँ पे सक्सेसफुल अपडेट ले लेते हैं, हैप्पी सब लोग हो, डन करा ले। अब देखो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर एरर आने की चांसेस होगी? हाउ यू कैन से? बिल्कुल सही है। देखो अगर होगी, अगर होगी तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग भी हो सकती है, पर फंक्शन हमने परफेक्ट कॉल किया है, अगर हो सकती है तो यहाँ पर फील्ड के नेम में हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा कहीं पे चांसेस नहीं रहते। क्या बात है, क्या सब करने क्या जरूरत है, कहाँ है यार, कहाँ थे मैं, नहीं था
आ गई। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ETL 45। ओह शिट, डबल आई एल हो गया। तुम देखते नहीं रहते हो ना सर? आपने एल ओ भी सही कराया नहीं? सही करवा दो। इसके लिए कोई परफेक्ट डॉक्टर नहीं मिलने हैं। डॉक्टर की कमी कहाँ है, ले तो जाओ। आपकी नज़र में क्या कोई डॉक्टर है परफेक्ट? यहाँ पर सारे डॉक्टर ही डॉक्टर है, ये डॉक्टर डॉक्टर खेल के बड़े हुए हैं। वो सब घुसखोर है। कौन घुसखोर है? पूछो सर। सर ये सारे आपकी तरफ आते हो गया? अपडेट हो गए? सक्सेसफुल अपडेट। नेट ऐसा ही नेट चेक कर लेते हैं प्रोफाइल में, रिकॉर्ड आ गए सारे। सर कल की भी वीडियो बनाई थी? कल की नहीं। अफसोस डेटा इसमें नहीं आया। तो किसमें आया सर? किसमें नहीं सर? क्यों रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस किया था क्या? देखो फिर से कर लेते हैं सर। जब यहाँ नहीं आया पहुँचा, वहाँ नहीं पहुँचा तो पहुँचा लॉजिक इनको क्या मुझे कोई बताएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्या क्या मुझे कोई बता सकता है? क्या बता सकता है? पूछे सर, पूछे सर। आप लोगों पर 100 रुपये का इनाम रखा जा रहा है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कैसा क्यों हुआ सर? ऐसा कुछ कोडिंग में दिक्कत आता है क्या? हो सकता है आंसर से सॉल्व हो गया? हाँ नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, क्वेरी वेरी सब परफेक्ट है। मुझे कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? सर सिस्टम की एरर है। सिस्टम भी एरर नहीं है सर, सिस्टम एरर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तो एरर कहाँ है ये बताइए जरा। सर मुझे लगता है दो टेबल में कंफ्यूज हुआ, किस टेबल में पहले है ये बात बिल्कुल सही। तुम्हें 200 मिलेंगे किसी में भी पहले जाए होना तो चाहिए। सर इतने तो किसी में नहीं जा रहा है, दो लड़ाई का कहीं और पहुंच गया। अच्छा ऐसा है। देखिए हम लोग जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो फॉर्म जब सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश होता है, सभी जानते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। फॉर्म सबमिट होता है, पेज रिफ्रेश होता है। अब जो फॉर्म सबमिट होता है और पेज रिफ्रेश होता है और जब हम रिफ्रेश करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये ऑटो पोस्ट बैक की वजह से रिफ्रेश होता है और वैसे अगर हम फॉर्म खोलते हैं तो पूरा पूरा सब कुछ लोड होता है, ठीक है। तो हमें अपने सेलेक्ट वाली क्वेरी को बंद करना होगा ऑटो पोस्ट बैक पर। हो क्या रहा है कि जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है तुरंत फॉर्म रीलोड हो रहा है, रीलोड होने से पुराना वाला डेटा आ जा रहा है और वही उठ के डेटाबेस के अंदर चला जा रहा है, वही डेटाबेस के अंदर चला जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो सेलेक्ट की क्वेरी है इसको पहले बंद करना होगा। बंद कैसे होगा? नॉट इस पोस्ट बैक, यानी कि इसके अंदर तुम तब मत जाना जब तुम पोस्ट बैक के केसेस में आ चुके हो, यानी कि पोस्ट बैक के चपेट में आ चुके हो तो तुम इसके अंदर मत जाना, ठीक है। अब देखो प्रॉपर चलेगा। सर ये क्या हो गया, कैसे हुआ सर?
हम इनको और स्टेट चूज कर लें, सबमिट कर दें। ये तो गलत है, ये तो सरेआम गलत है। मेरी सही उसके अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए देख लो ये सर रिमूव नहीं हो रहा, पर पहले रिमूव हो जाता था सर। तो एरर है कहाँ सर? तो ये सर सवाल ये है कि डेटाबेस में क्यों नहीं जा रहा है सर? क्वेरी सही है, सब कुछ सही है, तो सिस्टम क्या एरर है सर? 100 रुपये लाइए। नहीं ऐसा हो नहीं सकता सर। देखो दो ही चीज़ें, मैंने कहा सिस्टम एरर या तो 100 रुपये आप मुझे दो या उसने कहा कोड एरर, 100 रुपये उधर देने तो है कुछ नहीं, कोई को किसी को पैसे नहीं मिलेगा, आज पार्टी होगी सर, सबको पार्टी देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये चाहता है कि आप पार्टी दो, आप कहते थे बस चल जाएगा। आप बस सर बोलो कि पार्टी देते हैं तो चल जाएगा। कोई है इसके पीछे? सर वैसे आपके पीछे वो है सर, मनीष सर, मनीष की गलती है। कोई तो है जो गेम खेल रहा है मेरे साथ? लुका छुपी हिंदी में कंचे गोली और क्या होता है गिली डंडा, कर लेते हैं। आओ सब लोग बटन्स के अंदर और यहाँ पर लगा लेते हैं डिबगिंग।
चलो फिट ऑफ सबमिट करो। ओके नेक्स्ट परफेक्ट गुड 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 सब परफेक्ट हैं। अंदर चलते हैं। परफेक्ट परफेक्ट कुछ चेक कर लेते तुमने वैल्यू क्या आई है। एड्रेस प्रॉपर है। नेम यार ऐसे तब होता है जब सब प्रॉपर है। सर सिस्टम तो प्रॉपर कहाँ है सर सिस्टम है सर नहीं सर सर पे सर ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता क्या हो रहा है सब कुछ हो सकता है सेशन में है क्या। सेशन में हमें क्या डालने हैं ऐसा नहीं पता सेशन में कुछ और डाल लें वो मैच नहीं पा रही। DT0 रजिस्ट्रेशन आईडी डी इस रजिस्ट्रेशन आईडी को प्रिंट करा के चेक किया जाए क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है। सही तो है किसने बोला था सिस्टम एरर किसने कहा था सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। गलत गलत है ठीक है सर कोड में प्रॉब्लम पीछे थे कोड सर परफेक्ट है कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फिर भी ऐसी सिचुएशन आ रही है तो मैं यही चाहूँगा कि इसको आप हैंडल करें। कैसे सर चलिए सर ठीक है अगर कोड परफेक्ट है तो एरर आने का रीज़न क्या होगा एक्सप्लेन। सर इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम में कभी सोल्यूशन नहीं आया सर सिस्टम में कुछ भी हो जाए रीस्टार्ट करो। ऐसे तो नहीं कल कनेक्शन हिस्ट्री मेरी लॉगिन तो प्रॉपर हो रहा है ना कहीं दिक्कत अगर गलत होता तो लॉगिन भी नहीं होता। सही है अपडेट में कोई मिस्टेक हो सकता है अपडेट की क्वेरी में। चेक जरा मैच करो फिर को सर स्टेट आईडी वगैरह में चेक कीजिए क्या निकल आ रही है अपडेट। एक मिनट मैच करो जरा स्टेट आईडी सिटी आईडी एड्रेस स्टेट सही है एड्रेस सही है स्टेट आईडी सही है सिटी आईडी सही है
वेयर रजिस्ट्रेशन आईडी और एक मिनट ओके वैसे एरर आती तो एरर मुझे बता देता, वो एरर बता भी नहीं रहा है। अपडेट यूजर रजिस्ट्रेशन भी परफेक्ट है, चलो कोई नहीं, हो जाता है सब, ऐसा होता है हमारे साथ भी, आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर हम क्या परेशान हैं सर, होते ही नहीं है। तो मुझे पता है तुम बोलोगे नहीं, लेकिन हो तो जाएंगे ना तुम लोग। नहीं सर हम परेशान होते नहीं, ना ही होने देते किसी को सर। चलो तो आज मैंने जितना वर्क किया उतना समझ में आ गया। नहीं सर वो अलग केस है कि डेटा आपके लगाने से समझ गया सर। जो वीडियो बनाई है वो दे देना सर, सर ये वीडियो ही तो सहारा है यार, जब क्लास करोगे नहीं तो क्या करोगे। ओके यानी कि हमारा प्रॉब्लम है वेयर की कंडीशन के साथ। लेकिन वेयर की कंडीशन के साथ ऐसा क्यों हो सकता है सर? और वेयर की कंडीशन में था तो फिर ये प्रोफाइल के साथ प्रॉब्लम क्यों किया? प्रोफाइल में तो डेटा लगा नहीं गया। अच्छा नहीं प्रोफाइल में भी गया है नहीं 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 तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों आई है एक बार चेक करना पड़ेगा। हम लोगों ने सेशन में जो आईडी दे रखी है देखिए सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है ना, कोडिंग प्रॉब्लम है। कोडिंग प्रॉब्लम कन्फर्म सर, पीछे सब दे दे पे दिक्कत है सब, अब आगे इधर दो या उधर दो आज तो आपने सर पे देने प्रोफाइल किधर हो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पास किया है? सेशन का रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी है ये भी परफेक्ट है। टू स्ट्रिंग उन्होंने कन्वर्ट किया है ये भी परफेक्ट है। कोई मीडिएटर है क्या? अच्छा सॉरी ये तो वो है ना, ओफ क्या आईडी पास ही नहीं की गई है, मतलब सारे चीज तो पास कर ली रजिस्ट्रेशन आईडी तो पास ही नहीं की है। इतनी छोटी सी मिस्टेक कोडिंग प्रॉब्लम 200 गए सर। ओके सो ठीक है परफेक्ट है चलो ओके। अब देखिएगा यहाँ पर अभी तो मेरी प्रोफाइल परफेक्ट अपडेट हो रही है, लेकिन हम रिफ्रेश करेंगे तो मेरा स्टेट और सिटी ये बाइंड नहीं हो रहा है। तो स्टेट और सिटी को बाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लगानी पड़ेगी, ठीक है? वो कुछ यूँ लगेगी, अगर अभी आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल लाइक दिस डीडीएल स्टेट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू में हम पास कर देते हैं स्टेट आईडी, ओके आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है सेलेक्ट हो जाना चाहिए? चलो रन करा के देख लेते हैं। सेलेक्ट हो गया परफेक्ट। अब मुझे ये बताओ जब ये सेलेक्ट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग सिटी खुल के आ जानी चाहिए और फिर हमें दूसरी क्वेरी में सिटी को भी सेलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये तो सेलेक्ट हुआ पर सिटी को इसने सेलेक्ट नहीं कराया, तो ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है फंक्शन स्टेट चेंज इवेंट, इसको कॉल करना पड़ेगा। क्यों
क्यों हम इसको कॉल करेंगे, उसके यहाँ पर ये सिटी को उठा के लेकर आएगा, तो हम इसको यहाँ पर तुरंत किसी की जस्ट पर कॉल करेंगे। ओके, इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, वरना ये प्रॉब्लम करेगा। इसके पैरामीटर पे हमें एक में पास करती है डीडीएल स्टेट कॉमा, दूसरे में नल पास कर दीजिए, क्योंकि मुझे बस कुछ पास करना है ताकि वो एरर ना आए। अब देखिए सिटी भी आपकी आ जाएगी। एम नहीं आई, चेंज ईमेल में क्या क्या चीज़ रखी गई है, सेलेक्टेड वैल्यू कॉल किया ये जाएगा वहाँ पर और इसको ले लेना चाहिए। आईडी क्या लेकर आया, ओश सम मिस्टेक, कहाँ पर है हमारी प्रोफाइल, यहाँ पर हम लोगों ने जो कल बनाया गया था स्टेट को उठाने का, ये सेलेक्टेड वैल्यू आईडी, ये वैल्यू को नहीं पा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर यूपी आ रहा है, सेलेक्टेड वैल्यू में यूपी आ रहा है, जबकि सेलेक्टेड वैल्यू में क्या आना चाहिए, आईडी आनी चाहिए। बैंक से किया था ना यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों ने बैंक किया था, वैल्यू में टू है, बड़ा टू है, लेकिन यहाँ पर यूपी क्यों था, कौन गेम खेल रहा हम लोग के साथ, अच्छा है डेटाबेस में क्या किया है, डेटाबेस में स्टेट है सिटी है, फिर वहाँ पर वैल्यू क्यों आ रहा है, Thank you.
सॉल्यूशन ना हो। सर सॉल्यूशन तो बता रहे हैं। यहाँ पे युक्ति आने के क्या रीजन है? क्या फर्स्ट वाले तुम अरे फर्स्ट कह रहे हैं सेकंड कह रहे हैं पर यूपी कहाँ से आ रहा है? सर उत्तर प्रदेश आपने तो लिया है। यहाँ पे यूपी डाल रखा गया है क्या उसमें? जो हम लोगों ने उसमें डाला था तो ये पड़े स्टेट आई डी मेरा ओ तो सुनो एक काम करना होगा हमें। कल हम लोगों ने आप सर इसके पहले हम लोगों ने आपको स्टेट जो बाइंड किया था वो किसके थ्रू बाइंड किया था? डेटा सोर्स के थ्रू। डेटा सोर्स के थ्रू बाइंड किया था। यहाँ पर डेटा सोर्स जो होता है वो पेज के लोड होने पे आता है ठीक है, लेकिन हमें जो चाहिए यहाँ पर रिकॉर्ड वो लोड होने के पहले चाहिए, इसलिए हमें ये काम को डायनामिक करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग को डेटा सोर्स यूज़ ना करके हमें कोड के थ्रू ये काम करना पड़ेगा। ओके चलो एक काम हम लोग कल करते हैं। करना क्या है पता चल गया? यहाँ पे हम लोग डेटा सोर्स यूज़ किया गया है, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। और जैसे हमने सिटी को बाइंड किया है वैसे ही हमें बाइंड करना पड़ेगा। ये क्या है ना, ये बाद में बाइंड होता है तो ये अगर सिटी को भी अगर डेटा सोर्स को बाइंड कर दें हाँ तो हो जाएगा? नहीं 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 होगा, क्योंकि हमें क्या है, हमें फॉर्म लोड होने के पहले चाहिए ना रिकॉर्ड। और ये क्या आ रहा है? बाद आ रहा है, फिर बाद आएगा फिर क्या होगा, पुराना पीरियड करेगा, इसीलिए वो नल पास कर दे रहे हैं, पुराने पीरियड करेंगे इसलिए पास कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, बाकी चीज़ हम लोग कर देखते हैं। तो अगर आप लोगों को मिले टाइम वैसे तो मिलेगा ही, तो इसको क्या करिए यहाँ से हटा कर इसको भी आप लोग डायनामिक बाइंड कर दीजिएगा ठीक है। इस तरह से सिटी बाइंड किया गया है उसी तरह।